नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल प्रोग्राम एआई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए इस एग्जांपल की मदद लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको एक्सेल के अंदर ये ध्यान रखनी है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस फॉर्मूले का नाम लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले का नाम लिखने के बाद आपको शिफ्ट प्लस 9 दबा के ब्रैकेट ओपन करना है। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है वो क्राइटेरिया जिसके थ्रू हमें कंडीशन लगानी है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ऑप्टेन मार्क्स के थ्रू। इस जो ऑप्टेन मार्क्स हैं, अगर वो 150 से कम है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फेल, और अगर ऑप्टेन मार्क्स 150 से ज्यादा है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पास। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको शिफ्ट प्लस 0 दबा के ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे आयुष नाम के स्टूडेंट के जो ऑप्टेन मार्क्स हैं वो है 232, जो कि 150 से ज्यादा है, इसलिए उसका जो रिजल्ट आया वो है पास। अब यही सेम फॉर्मूला हमें बाकी के सेल्स में भी कॉपी करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ ऐसे कर्सर लाना है, जैसे ही कर्सर ब्लैक कलर के प्लस के सिंबल में चेंज होगा आपको उसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करना है, और वो इस तरह सभी फॉर्मूले इसी तरह से सभी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नेहा और नव्या नाम की जो दो लड़कियां हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 150 से कम है, इसलिए उनका जो रिजल्ट आया है वो है फेल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोजाना इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोज अपलोड होती रहती है। धन्यवाद।